हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे। तो भाई आ चुका है मेरा बिल्कुल नया फ़ोन पोको M2 Pro, और खुशी कितनी है ये तो मेरी आवाज़ सुन करके ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। एक्साइटेड बहुत हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है फ़ोन अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग के साथ इसके सारे स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इंटरेस्टिंग फ़ोन है, बहुत सही है भाई, एकदम बजट के हिसाब से एकदम परफेक्ट। तो चलिए खोल लेते हैं सबसे पहले बॉक्स को। भाई क्या स्मूथली सील कट हो रहा है यार, मतलब मज़ा ही आ रहा है इस। ओ भाई, बॉक्स को बाहर से देखने पर तो बहुत प्रीमियम सा लुक दे रहा है, और पोको वालों ने काफ़ी टाइटली फिट किया बॉक्स को। तो सबसे पहले आता है कि येलो कलर का केस, आई थिंक इसके अंदर यूज़र मैनुअल होगा, देख लेते हैं। अच्छा, सिम इजेक्टर टूल है। अच्छा, साथ में एक जेली कवर भी है, मतलब उम्मीद था कि पोको वाले जेली कवर देंगे, बट इसका क्वालिटी कैसा है ये देख लेते हैं। तो भाई क्वालिटी कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो जेली कवर का मुझे एक बात अच्छा लगता है, और वो क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे, ये सिम इजेक्टर टूल है, देख लेते हैं। भाई फ़ोन तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, खैर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, साइड में रख देते हैं फ़ोन को, बाद में देखेंगे। तो भाई फ़ोन के नीचे रखा हुआ है हम लोगों का टाइप सी USB केबल प्लस चार्जर 33 वॉट का। तो USB केबल जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट कलर का है, और इसके अंदर रेड कलर का दिया हुआ है, तो भाई मतलब बहुत प्रीमियम सा लुक आ रहा है। चार्जर देख लेते हैं, काफ़ी तगड़ा है भाई, बहुत भारी चार्जर, इतना बड़ा सा चार्जर पहली बार, मतलब फील आ रहा है कि हाँ काफ़ी तगड़ा है, मतलब 33 वॉट का चार्जर है तो साइज़ में भी वैसा ही लग रहा है। तो भाई अब आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो कुछ की स्पेसिफिकेशंस मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लो। तो निकालते हैं फ़ोन को। भाई फ़ोन को इसमें से निकालने में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब कितना स्मूथली बाहर आया यार ये। और भाई कलर तो काफ़ी तगड़ा है, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है। और बैक पैनल का शाइन देख रहे हो, मतलब कलर देख करके तो मज़ा ही आ गया। सो, अब कर लेते हैं कुछ फ़ोन के बारे में बात। तो ये है भाई पावर बटन, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। दोनों साथ में रखने का बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक उसके ऊपर आ जाता है वॉल्यूम बटन, और यहाँ हम लोगों को मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और उसके बगल में है IR ब्लास्टर, जिससे कि आप अपने फ़ोन को किसी भी AC या TV के रिमोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नीचे हम लोगों को मिल जाता है स्पीकर, उसके बगल में माइक्रोफोन, उसके बगल में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और एकदम लास्ट में हम लोगों को मिल जाता है ईयरफोन का स्लॉट। और लेफ्ट साइड में हम लोगों को देखने मिल जाता है सिम स्लॉट प्लस सिम स्लॉट इजेक्शन होल। और बैक में आते हैं तो हम लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप विथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्लैश। और फ्रंट में हम लोगों को मिल जाता है फ्रंट पंच होल 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो भाई यहाँ ख़त्म हो जाते हैं हम लोगों के सारे स्पेसिफिकेशंस। अब बढ़ते हैं जेली कवर के ऊपर, जो कि मुझे पर्सनली एक की पॉइंट ये अच्छा लगता है कि अगर आप लोग नीचे में डिफरेंट कलर्स के सरफेस रख के उसमें अगर फ्लैश ऑन करते हो तो मोबाइल आपका कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ वाइट, येलो और ग्रीन सरफेस के ऊपर रखा है, तो इन तीनों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो ब्लू और रेड सरफेस के ऊपर में जो डिफरेंस नज़र आता है ना, जैसे कि ये ब्लू है और इसके बाद जो ये रेड कलर का आता है, मतलब इसमें तो क्या ही लग रहा है, मतलब कतई जहर। तो भाई बहुत तगड़ा लग रहा है, बस जेली कवर का यही एक खासियत मुझे अच्छा लगता है। तो अब बढ़ते हैं कैमरा का क्वालिटी की तरफ। तो कुछ पिक्स मैंने रखे हैं, आप लोग वो देख लो। ये नॉर्मल कैमरा से लिया गया है, जो कि इसमें भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। उसके बाद इस पिक को मैंने मैक्रो सेंसर से क्लिक किया है, जिसमें डिटेलिंग बहुत ही तगड़ा है, HDR इफ़ेक्ट भी है। और फिर से ये नॉर्मल कैमरा से क्लिक किया है मैंने, और इसका भी ठीक मैक्रो सेंसर वाला फ़ोटो भी है, जिसमें बहुत HDR वाला लुक आ रहा है, मतलब क्लियरिटी बहुत अच्छा है इसमें। और उसके बाद आता है 48 मेगापिक्सल, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि भाई हाईएस्ट क्वालिटी में फ़ोटो फटता नहीं है, कितना भी जूम कर लो। तो यहाँ भाई ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, अपना अनबॉक्सिंग का। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल से सपोर्ट करो यार,
और अब नया फ़ोन आ ही गया तो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले भी आएगा एकदम हाई ग्राफिक्स में, मतलब ग्राफिक्स कितना तक जाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।